जॉर्ज सोरोस आजकल हर न्यूज चैनल पर इन्हीं की चर्चा है। हालांकि सिर्फ एक महीना पहले की बात करें तो इन्हें सिर्फ इन्वेस्टर कम्युनिटी के लोग ही जानते थे, लेकिन आज काफी सारे लोग जानने लगे। रीजन भी कुछ ऐसा ही है कि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं पिछले कुछ दिनों में। इंडिया इज एन इंटरेस्टिंग केस, इट्स अ डेमोक्रेसी, बट इट्स लीडर नरेंद्र मोदी इज नो डेमोक्रेट, इंसाइटिंग वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स वाज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन हिज मीटियोरिक राइज। I may be naive, but I expect a democratic revival in India. उसके बाद कुछ इंडियन मिनिस्टर ने इस पर रिएक्शन दी है। एस जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के, उन्होंने कहा है कि वो एक रिच, ओल्ड, ओपिनियटेड और डेंजरस पर्सन है। वही स्मृति ईरानी ने कहा है कि ये वो शख्स है, the man who broke the bank of England. तो ऐसे में सवाल आता है कि कौन है ये जॉर्ज सोरोस? कैसे एक शख्स किसी कंट्री के सेंट्रल बैंक को तोड़कर बिलियन डॉलर कमा सकता है? और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, ऐसे दो तीन कंट्रीज के साथ वो कर चुके हैं। ये एक ऐसे इन्वेस्टर है जिन्होंने लगातार 30 सालों के लिए 30% से ज़्यादा का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया इन्वेस्टर्स को। अगर हिस्ट्री की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में इन्हें गिना जाएगा। लेकिन वही कई सारे लोग इन पर आरोप लगाते हैं कि एक इकोनॉमिक वॉर क्रिमिनल है। तो ऐसे में हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि एक्चुअली इनकी पूरी कहानी क्या है और कैसे इन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स को तोड़ा है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के स्टूडियो में स्वागत करता हूं और आज मैं आपको इन्हीं सारी चीज़ों को बड़ी डिटेल में समझाऊंगा और कैसे उन्होंने अलग अलग कंट्रीज के बैंक्स को तोड़ा उसके बारे में जानेंगे और अंत में हम बात करेंगे कि उन पर कई सारे जो आरोप लग रहे हैं वो किस वजह से है। जॉर्ज सोरोस का जो बचपन है वो काफ़ी डिफिकल्ट कंडीशन में गया है। उनका जन्म हुआ था हंगेरी में और 1944-1945 में जब हिटलर के लोगों ने हंगेरी के ज्यूज़ को मारना शुरू किया तो ऐसे एक एक करते उन्होंने 5 लाख ज्यूज़ को मार दिया। अब जॉर्ज सोरोस की फैमिली भी जू फैमिली थी, लेकिन फिर उन्होंने तुरंत अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें फर्जी बनाया और कुछ तरह से वो बच गए। इसी तरह की ट्रिक्स उन्होंने कुछ और लोगों को भी बताई और वो लोग भी अपनी जान बचाकर निकल गए। फिर बाद में जॉर्ज सोरोस पढ़ाई करने के लिए चले गए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में और वहाँ पढ़ाई करने के लिए पैसों की भी ज़रूरत थी तो नाइट क्लब में वो एक वेटर का काम करते थे। ऐसे करके उन्होंने वहाँ पर अपनी डिग्री की और उसके बाद वो निकल पड़े US के लिए। अब US में जाकर सबसे पहले उनकी जो जॉब थी वो थी क्लर्क की। क्लर्क से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, फिर उसके बाद वो आर्बिट्राज ट्रेडर बन गए, उसके बाद एक सिक्योरिटी एनालिस्ट बन गए और यहाँ पर उन्होंने अपनी एक थियरी निकाली। इस थियरी का नाम है रिफ्लेक्सिविटी। अब ये थियरी क्या कहती है? तो काफ़ी सारा फंड मैनेज करते करते उन्हें थियरी समझ में आई। उनके हिसाब से थियरी ऐसी थी कि किसी भी चीज़ की जो प्राइस है वो सिर्फ फंडामेंटल पर डिपेंड नहीं करती है, जो लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किस आइडिया के बेसिस पर कर रहे हैं उस पर भी काफ़ी निर्भर करती है और इन्हीं फिर आइडियाज़ की वजह से मार्केट में कई सारे बूम और बस्ट आते हैं। तो जॉर्ज सोरोस को पता चल गया कि अगर मैं उस बूम को पॉइंट आउट कर लूं और उसे वहां पर एंट्री लेके शॉर्ट सेल करके जब बस्ट होता है तब एग्जिट करूं तो मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूं। तो थियोरेटिकली तो ये सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन करेंगे कैसे? तो 1969 में इन्होंने अपना पहला हेज फंड शुरू किया और इस हेज फंड के जरिए उन्होंने शुरुआत में $4 मिलियन के इन्वेस्टमेंट मैनेज करना शुरू की। अब उनके अच्छे परफॉर्मेंस के चलते जो एसेट अंडर मैनेजमेंट था वो $4 मिलियन से $12 मिलियन हो गया और अपनी रिफ्लेक्सिविटी की थियोरी में इन्हें अपना पहला ब्रेक थ्रू मिला 1989 में। ये बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्रोक होने के 3 साल पहले की कहानी है। अब हुआ ये कि 16 सितंबर 1989, जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं उन्हें इस डेट का इंपॉर्टेंस पता है, इस दिन हुआ ये था कि बर्लिन वॉल को गिराया गया। इसकी वजह से हुआ ये कि इस जर्मन वेस्ट जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ और इस यूनिफिकेशन की वजह से काफ़ी कुछ चेंजेस यूरोप में होने लगे, क्योंकि उस टाइम जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, हालांकि वो आज भी है, लेकिन इस यूनिफिकेशन की वजह से जर्मनी पर कुछ बोझ बढ़ गया। बोझ इस चीज़ का बढ़ा कि अब दोनों एक हो गए हैं तो इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, डेवलपमेंट में खर्चा करना पड़ेगा। और उस टाइम कहानी कुछ ये थी कि यूरोप की कई सारी कंट्रीज जर्मनी पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड थी और उसमें से एक था UK। अब उस टाइम यूरोप की कई सारी कंट्रीज क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पर फोकस कर रही थी और उसे और सिंपल बनाने के लिए वो एक मैकेनिज्म लेकर आए जिसका नाम था वेस्टर्न यूरोपियन रेट मैकेनिज्म। अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो एक बहुत ही बेकार पॉलिसी थी, लेकिन जब से बर्लिन वॉल को तोड़ा गया तब से जॉर्ज सोरोस ने अपना काफ़ी सारा फोकस इन कंट्रीज पर तो लगा दिया था। अब वो वेट कर रहे थे किसी एक गलती का और वो गलती की इंग्लैंड ने 1990 में इस मैकेनिज्म को ज्वाइन करके।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि सैटरडे और संडे यानी 25th और 26th फरवरी को हमारा स्टॉक मार्केट का लाइव सेशन स्टार्ट हो रहा है, और इस सेशन का मेन फोकस है आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में अवेयर करना और डिटेल में प्रैक्टिकल नॉलेज देना। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर है तो बहुत आइडियल ये कोर्स आप सभी के लिए है, जिसका पहला सेशन आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी रखी है। साथ ही जो लोग हमारे फाइनेंस क्लब बाय प्रसाद के मेंबर्स हैं उनके लिए सारे कोर्सेज और सारे सेशंस लाइफ टाइम के लिए फ्री होने वाले हैं, उसके भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डालकर रखी है। और आपको बता दूं कि ये कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है, ये एक लाइव कोर्स है जिसका पहला सेशन कल यानी 25th फरवरी को सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच होगा। तो इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि काफी सारा प्रैक्टिकल नॉलेज यहां पर हम आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो मिलते हैं कोर्स के पहले सेशन में, और जाते जाते हमारा लाइव स्टॉक मार्केट कोर्स जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी रखी है। अब ये मैकेनिज्म ये था कि हम हमारी जो जैसे अभी आप डॉलर और रुपी देखते हैं तो अच्छा खासा फ्लक्चुएशन यहाँ पर चलता रहता है, लेकिन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को और बेटर बनाने के लिए यूरोपियन कंट्रीज ने मैकेनिज्म को यूज़ करना शुरू किया। और ये मैकेनिज्म ये था कि आप अपनी जो करेंसी है उसे फ्लक्चुएट होने से बचाए। यानी कि इंग्लैंड ने फॉर एग्जांपल 6% का स्लैब लिया था, यानी कि अगर इंग्लैंड का जो पाउंड है वो 6% से ज़्यादा अगर फ्लक्चुएट होता है तो बैंक ऑफ इंग्लैंड उसे बेच देगा और उसे अपनी जो 6% की लिमिट है उसमें लाकर रख देगा। फॉर एग्जाम्पल पाउंड 6% से गिर जाता है तो बैंक ऑफ इंग्लैंड उसे खरीदेगा ताकि वो फिर से अपनी जो लिमिट है 6% की उसमें आ जाए। यानी उसको ना 6% से ज़्यादा ऊपर जाने देना है, ना ही पाउंड को 6% से नीचे जाने देना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बड़ा आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब आप ही मान लीजिए कि इंडिया की जो करेंसी है डॉलर के अगेंस्ट अभी 82 रुपीज़ चल रही है, 10 दिन बाद 90 रुपये हो जाए और 20-25 दिन बाद 100 रुपीज़ हो जाए तो क्रॉस ट्रेड बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और यही उस टाइम सबका कंसर्न था, और इसीलिए उन्होंने आर्टिफिशियली उस करेंसी को कंट्रोल करना शुरू किया। अब सोचने समझने के लिए तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसमें कंडीशन है। अगर आपको अपनी करेंसी को स्टेबल रखना है तो आपकी इकोनॉमी भी स्टेबल होनी चाहिए। अब हुआ ये कि जॉर्ज सोरोस ने यहाँ पर ध्यान देना शुरू कर दिया था कि उनको पता था कि एक बहुत बड़ा एक चक्रव्यूह है और उसमें अब इंग्लैंड फंस गया है। ये तो अब उन्हें पता चल गया था। अब वो वेट कर रहे थे कि कब इंग्लैंड की इकोनॉमी वीक हो जाती। अब 1992 का दौर आया और इंग्लैंड में इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। अब देखो कोई भी इकोनॉमी की साइकिल है तो इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा, थोड़े टाइम बाद फिर जाएगा, तो अप्स एंड डाउन्स इकोनॉमी में होते रहते हैं। तो अगर किसी कंट्री ने गलती की है और आप वेट करें तो कभी ना कभी तो आप सही साबित हो ही जाएंगे। और फिर 2 साल वेट करने के बाद जॉर्ज सोरोस यहाँ पर सही साबित हुए। फिर 1992 में इन्फ्लेशन ऑन द रूफ था, 13% से ज़्यादा गिरा, सिर्फ बात यहाँ पर नहीं थी, इकोनॉमी भी काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी। तो ऐसे में जॉर्ज सोरोस को तो ये पता चल गया था कि अब जो करेंसी है उसे डिवैल्यू करना ही पड़ेगा, नहीं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी और कंट्री भी स्ट्रगल करेगी। इसी बीच सितंबर 1992 में यूएस में एक रूमर फैलने लगा कि जो इटली है वो अपनी करेंसी लीरा को डिवैल्यू करने वाले हैं। लेकिन फिर इसी बीच कई सारे मिनिस्टर सामने आए इटली के और वो बोले कि नहीं नहीं, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम अपनी करेंसी को डिवैल्यू नहीं करेंगे। और हुआ यह कि 10 दिन बाद इन्होंने उसको 7% से डिवैल्यू कर दिया, यानी कि उन्होंने अपना प्रॉमिस नहीं रखा। और इसके बाद ट्रेडर को लगने लगा कि बाकी कंट्रीज भी अब सेम पैटर्न फॉलो करने लगेगी, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है तो आप करेंसी को ज़्यादा टाइम स्टेबल नहीं रख सकते। अब जॉर्ज सोरोस भी बैठे थे वहाँ पर और इनका भी यही मानना था कि इस करेंसी को अभी गिरना है। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले यह समझा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास कितना रिजर्व है, करेंसी रिजर्व, जिसकी मदद से वो अपनी करेंसी को बचा सकती है। तो उन्हें पता चला कि इनके पास करेंसी रिजर्व तो अच्छा है, तो अगर हम $1 बिलियन 2 बिलियन का शॉर्ट करेंगे तो शायद हम फेल हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कुछ अपना पैसा और कुछ उधार लिया हुआ पैसा ऐसे करके $10 बिलियन से पाउंड को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करना मतलब सिंपली जब आपको लगता है कि किसी चीज़ की प्राइस नीचे जाएगी तो उससे आप प्रॉफिट बना सकते हैं शॉर्ट सेलिंग की मदद से। यानी कि आपने कोई चीज़ को 100 रुपीज़ पर सेल किया और बाद में 90 रुपीज़ पर उसे बाय किया तो 10 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पर उन्होंने पाउंड को शॉर्ट सेल किया हाई प्राइस पर, और फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास अब उतना रिजर्व ही नहीं था तो इन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए तो करेंसी फ्री फ्लोट में आ गई। फ्री फ्लोट मतलब अब बैंक ऑफ इंग्लैंड उसे कंट्रोल नहीं करेगी, जैसी भी ट्रेडिंग चलती रहती है उसके अनुसार प्राइस डिसाइड होगी, जैसे कि अभी इंडिया में फॉर एग्जांपल होता है। और फिर 16 सितंबर 1992 इस दिन बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्रोक हो गया, जॉर्ज सोरोस ने उसे तोड़ दिया और तोड़कर $1 बिलियन का प्रॉफिट भी कमा लिया। अब लेकिन जॉर्ज सोरोस यहीं पर नहीं रुके, ये तो ठहरे हेज फंड मैनेजर, अपॉर्चुनिटीज ढूंढना इनका काम है, उसी के पैसे इनको मिलते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि ऐसी कंट्रीज की तलाश की कि किसी कंट्री ने अगर अपनी पॉलिसी में कुछ गलतियाँ की है तो उन गलतियों से कैसे हम पैसा कमा सकते हैं। और अगली अपॉर्चुनिटी मिली इन्हें 5 साल बाद 1997 में। आपको बता दूं कि 1997 में एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। अब आज के वीडियो को वो टॉपिक नहीं है इसलिए उसको मैं ज़्यादा नहीं छेड़ूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हो डिटेल में तो कमेंट में ज़रूर बता देना, उसे भी कवर कर देंगे। तो 1997 में कई सारी एशियन कंट्रीज थी जो अपनी जो करेंसी से उन्हें कंट्रोल किए बैठी थी,
और कंट्रोल भी ऐसा कि आप ही देख लीजिए, जैसे अभी थाईलैंड का जो बाट था जो कि वहाँ की करेंसी है, उन्होंने डॉलर के अगेंस्ट में अपनी करेंसी को फिक्स रखा, और इसे उन्होंने फिक्स प्राइस कैसे कंट्रोल किया था, यही बाइंग सेलिंग करके इसे कंट्रोल करना, यानी अगर नीचे जा रहा है तो इसे खरीद लो, ऊपर जा रहा है इसे बेच दो, ऐसे करके उन्होंने एक प्राइस पर इसे कंट्रोल कर लिया। अब अगेन ये सारी चीज़ें तब तक ही अच्छे से चलती है जब तक आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, लेकिन थाईलैंड में भी प्रॉब्लम्स आए, उनकी इकोनॉमी भी डगमगाने लगी, और ऐसे में जूलियन रॉबर्टसन ने यहाँ पर सबसे बड़ी पोजीशन ली शॉर्ट सेलिंग की, $3 बिलियन की, और उसके बाद जॉर्ज सोर्स ने भी एक बड़ी पोजीशन ली $1 बिलियन की। इन्होंने इस करेंसी को शॉर्ट किया क्योंकि इन्हें लगता था कि इनकी इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग है ही नहीं, तो ये जो बाट है इसको डॉलर के अगेंस्ट में गिरना चाहिए। अब जूलियन रॉबर्टसन है ये भी एक लेजेंडरी फिगर है यूएस की, जिन्होंने टाइगर फंड को मैनेज किया कई सालों तक, अभी पिछले साल उनकी डेथ हुई, और बड़ी रिमार्केबल रिटर्न्स इन्होंने भी अपने इन्वेस्टर्स को दिए थे। इन्होंने यहाँ पर ज़्यादा पैसा कमा लिया थाईलैंड के केस में, और जो जॉर्ज सोरोस थे इन्होंने भी अच्छा खासा पैसा कमा लिया। बात यह हुई कि जैसे इन्होंने उसको शॉर्ट करना शुरू किया, वहाँ की गवर्नमेंट को अब ये डिसीजन लेना पड़ा कि अब करें क्या, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में आपने शॉर्ट किया है तो आपको खरीदना पड़ेगा, और ख़रीदना है तो डॉलर के अगेंस्ट में बाट को कंट्रोल करना है, तो आपके पास उतने $ होने चाहिए ताकि आप बाट को खरीद के उसे कंट्रोल कर सको। उनके पास उस टाइम $37 बिलियन के $ के रिजर्व थे। इन्होंने जैसे ही बेचना शुरू किया, कुछ ही महीनों में ये जो रिजर्व है ये $37 बिलियन से $30 बिलियन तक आ गया। अब गवर्नमेंट को एक बड़ी डिसीजन लेनी थी कि इसे कंटिन्यू करें या फिर हाथ खड़े करें। इन्होंने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि ठीक है, अब ये फ्री फ्लोट पे चलेगा, जैसा मार्केट अभी इसकी प्राइस डिसाइड करेगा ऐसा ये चलेगा। और सिर्फ साढ़े चार महीने के अंदर 60% से ये बाट गिर गए। अब इससे इमेंसली प्रॉफिटेबल हो गए बोथ जॉर्ज सोरोस और जूलियन रॉबर्टसन। लेकिन यहाँ पर जूलियन रॉबर्टसन पर तो कुछ आरोप नहीं आए, लेकिन जॉर्ज सोरोस पर यहाँ पर कुछ आरोप लगने लगे। अब इसमें आप कहेंगे कि इसमें आरोप लगने की क्या बात है, शॉर्ट सेलिंग तो लीगल है, इन्होंने शॉर्ट सेलिंग की और पैसा कमाया और अपॉर्चुनिटी ढूंढी। अब यहाँ पर आरोप उन पर यह है कि उन्होंने थाईलैंड की गवर्नमेंट के साथ कुछ नेगोशिएशंस किए और उन्हें यह कहा कि आप इसे फ्री फ्लोट कर दीजिए करेंसी को, और इसी के बदले उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। अब इस बात में सही में सच्चाई है या नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई भी प्रूफ सामने नहीं आया है। तो अब इस तरह से इन्होंने पैसा तो बहुत कमा लिया, 30 सालों से लगातार 30% कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न देना कोई आम बात थोड़ी ना है। मेरे हिसाब से इनके आगे थोड़े जोएल ग्रीनब्लैट ही थे जिन्होंने 10-15 साल के लिए कंपाउंडेड सालाना लगभग 37% का रिटर्न दिया था, और उसके बाद मुझे लगता है कि इनका ही नंबर है। तो रिटर्न्स तो क्रेजी थे, पैसा तो बहुत कमा लिया। अब इन्होंने क्या किया, इन पैसों को फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ के लिए देना शुरू किया। 1984 में उन्होंने ओपन सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की, जिस पर उनका फोकस था कि अलग अलग कंट्रीज़ को हेल्प करना। जिस कंट्री से आए हैं हंगेरी को, इसको उन्होंने अच्छा खासा फंड्स दिया है। लेकिन जैसे जैसे इमेंसली प्रॉफिटेबल होते चले गए, इन्होंने ओपन सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग कंट्रीज़ में एक्सपांड करना शुरू किया। आज 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑर्गेनाइजेशन चलती है। कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनाइजेशन का ये फोकस होता है कि किसी भी कंट्री को लिबरल बनाना। अगर कोई कंट्री नेशनलिस्ट है तो नेशनलिस्ट से वो लिबरल की तरफ कैसे जा सकती है, ये इनका फोकस है जो पिछले कुछ टाइप में रिसर्च में पाया गया। ये चाहते हैं कि कोई भी कंट्री सिर्फ अपना ना सोचे, वो बाकी कंट्रीज़ का भी सोचे, और इसीलिए काफ़ी सारी फंडिंग इन्होंने देना शुरू की। इंडिया में 2014 तक बस छोटी मोटी फेलोशिप ये देते रहे, लेकिन 2014 के बाद इन्होंने यहाँ पर ग्रांट ली, और उसके बाद इन्होंने लगभग 90 करोड़ यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं। अगर मैं ओपन सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के टोटल फंडिंग की बात करूँ तो वो है $32 बिलियन, करीब 2.5 लाख करोड़ के करीब आता है। अभी अमाउंट जॉर्ज सोरोस के लिए कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि 2013 में इनके हेज फंड ने $5.5 बिलियन कमाए थे। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े स्केल पर ये काम करते हैं, और उन्होंने अपना काफ़ी सारा फोकस इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये होने लगी कि जिन लोगों को यहाँ पर फेलोशिप मिलती थी, उनका पहले का बिहेवियर और फेलोशिप मिलने के बाद का बिहेवियर में बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आने लगा। जैसे कि अरुणिमा भार्गव, जो पहले ओपन सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी, उन्होंने बाद में जाकर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत ब्लैकलिस्ट करने की रिक्वेस्ट की। बात सिर्फ इतनी नहीं है, 2018 के बाद इंटरनेशनल लेवल पर कश्मीर मुद्दे पर बात करने वाले एक्सपर्ट्स की संख्या अचानक से ज़्यादा बढ़ गई। तो इसमें से भी एक डेटा ऐसा निकल के आता है कि कई सारे इनमें से जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि खालिद बियोदिन, इन्होंने 2018 से पहले कभी भी कश्मीर मुद्दे पर बात नहीं की। फिर 2018 में जब इन्हें सोरोस इक्वालिटी फेलोशिप मिली, उसके बाद इन्होंने इस मुद्दे पर बहुत तेज़ी से बात करना शुरू किया। ये कुछ एक दो एग्जांपल, ऐसे कई सारे एग्जांपल बाद में सामने आए। और उसके अलावा जो रफाल डील है जो इंडिया और फ्रांस के बीच हुई थी, तो उसके खिलाफ फ्रांस की एक एनजीओ ने कंप्लेंट की थी, और वो एनजीओ की जो फंडिंग आती है वो भी यहीं से आती है। और फिर पिछले कुछ सालों में इंडिया ने कई सारे फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया में जो फंडिंग आ रही थी उनकी, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और उस 10 फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में एक ओपन सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी थी। 2015 में रशिया ने इन्हें कम्प्लीटली बैन कर दिया उनकी कंट्री में फंडिंग करने से। तो इंडियन गवर्नमेंट और पीएम मोदी पर कई सारे आरोप लगाने के बाद अब आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। कई सारे ऐसे आरोप भी लगाए गए हैं जो अभी तक प्रूवन नहीं है, इसीलिए इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ओवरऑल ये सारा मामला है जॉर्ज सोरोस का। तो कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि जॉर्ज सोरोस को अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कई सारे लोग उन्हें लेजेंडरी इन्वेस्टर मानते हैं,
लेकिन जो शॉर्ट सेलिंग मेथड की वो यूज करते हैं तो उसमें कई सारे लोग उन पर आरोप हैं कि एक तो वो कई सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ पॉलिसी चेंज करने के लिए बोलते हैं और फिर उसका फायदा उठाते हैं। साथ ही उन पर यह भी आरोप है कि जो भारी मात्रा में शॉर्ट सेलिंग करके करेंसी गिराते हैं तो उससे कई सारे आम लोगों का नुकसान होता है, कई सारी कंट्रीज का नुकसान होता है, कई सारे बिजनेसेस ध्वस्त हो जाते हैं। और इसके बारे में मिस्टर सोरोस नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ सोचते हैं तो अपने प्रॉफिट के बारे में। तो ये था मिस्टर जॉर्ज सोरोस का पूरा लेखा जोखा। अब आपका इस पर क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है, जॉर्ज सोरोस एक लेजेंडरी इन्वेस्टर है या फिर एक इकोनॉमिक वॉर क्रिमिनल, कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसी तरह के बिजनेस और फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स को डेप्थ में और आसानी से समझने के लिए जरूर फिनोवेशंस बाय प्रसाद को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।